शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। खरीफ सीजन की तैयारी किसानों ने शुरू कर दी है। प्री मॉनसून की बारिश होते ही किसान जुताई भी करने लगेंगे। इस बार मौसम विभाग ने अच्छी बारिश होने का अनुमान भी जताया है। ऐसे में कृषि विभाग को उम्मीद है कि इस बार सोयाबीन का रकबा बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश के सागर में पिछले साल 2.43 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की बुआई हुई थी, इस बार यह 2.5 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा हो सकती है। शुरुआत में यदि ज्यादा बारिश होती है तो सोयाबीन का रकबा और भी बढ़ सकता है। दरअसल शुरुआत में ही ज्यादा बारिश होने पर सोयाबीन की फसल को ज्यादा नुकसान नहीं होता। बीते वर्षों में कम बारिश होने के चलते सोयाबीन का रकबा लगातार घटा है। पिछले साल इसमें 1.95 लाख हेक्टेयर की कमी आई थी और यह 4.38 लाख हेक्टेयर से घटकर सीधे 2.43 लाख हेक्टेयर पर आ गया था। सोयाबीन, उड़द और धान तीनों की ही खेती शुरुआती दौर में होने वाली बारिश पर ही निर्भर करेगी। खरीफ सीजन की तैयारियों में जुटे किसान गर्मी के सीजन में होने वाली खेतों की जुताई पहले ही कर चुके हैं, अब उन्हें बारिश होने का इंतजार है। कृषि वैज्ञानिक का कहना है कि आधा इंच या इससे अधिक बारिश होने के बाद लोग खेतों में जुताई शुरू कर सकते हैं। हालांकि बुआई के पहले उन्हें एक बार और खेत की जुताई करनी पड़ेगी। इसके साथ ही किसानों को खेती के लिए जरूरी अन्य तैयारियां भी शुरू कर देना चाहिए ताकि बारिश होने और उसके बाद रुकने पर उन्हें अन्य तैयारियों के लिए अचानक से परेशान ना होना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।